हाय हेलो दोस्तों, मेरा नाम है राहुल, आप मेरा चैनल देख रहे हैं टेक्निकल टॉक इन हिंदी। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कैसे आप अपने स्मार्ट टीवी एंड्रॉइड टीवी के अंदर व्हाट्सएप एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर सकते हैं और काफी अच्छी तरीके से आप यूज कर सकते हैं। तो इसमें मेन एक इशू आता है माउस या कीबोर्ड की रिक्वायरमेंट। तो आज हम इस वीडियो में वेरीफाई करेंगे इस प्रॉब्लम्स को, क्या हमें माउस या कीबोर्ड की रिक्वायरमेंट पड़ती है या नहीं। तो चलिए बिना समय गवाए वीडियो को शुरू करते हैं। और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, बेल आइकन के बटन को ऑल पे भी सेट कर दीजिएगा। और हाँ, अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए तो प्लीज़ कमेंट करके हमें सजेस्ट जरूर करिएगा। चलिए बिना समय गवाए वीडियो शुरू करते हैं। तो ये मैंने अपना टीवी में एपिडोट टीवी नाम का एक एप्लीकेशन है जो कि प्ले स्टोर जैसा है, तो वो मैंने ओपन कर लिया है। यहाँ पे मैं सर्च कर लेता हूँ, डाउनलोड कर लेता हूँ। साथ ही साथ अगर आपको इस एप्लीकेशन को भी डाउनलोड करना है तो इसका लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसका एक अलग से भी वीडियो बनाया हुआ है मैंने। तो देखिए, मैंने डाउनलोड करके ये इंस्टॉल कर लिया है। इंस्टॉल करने के बाद अब मैं ओपन करता हूँ। और साथ ही साथ मैं आपको बता दूँ, यहाँ पे एक से दो बार आपको माउस की रिक्वायरमेंट होगी, कीबोर्ड की तो कोई ज़रूरत नहीं है। बट हाँ, एक बार आपको जब ओके करना होगा तब आपको रिक्वायरमेंट रहेगी। तो यहाँ अभी मैं अपना फ़ोन नंबर इंटर कर देता हूँ, जैसा हम हमारे फ़ोन के लिए करते हैं सेम वैसा। अब मेरे फ़ोन नंबर पे एक OTP जाएगा, तो वो OTP मुझे यहाँ पे मैन्युअली वेरिफिकेशन कराना पड़ेगा। तो मैं मैन्युअली यहाँ पे वेरिफिकेशन करता हूँ और अब मुझे वो OTP आने पर जो नंबर आया है वो यहाँ पे डालना होगा। तो जो आया है वो नंबर मैं यहाँ पे इंटर कर देता हूँ। तो ये मैंने इंटर कर दिया, अब कंटिन्यू करता हूँ। ये सारी परमिशन मांगेगा, सारी परमिशन आपको अलो करना होगी। इसका एक बैकअप ऑलरेडी अवेलेबल है, तो वो आ गया। ये मेरा यहाँ पर प्रोफाइल फ़ोटो आ चुका है। देन अब आगे का जो प्रोसेस है वो आप वन बाय वन देखिए। यहाँ पे ये सारा डेटा रीस्टोर हो रहा है, प्रोसेस हो रहा है। देन ये इस तरह से व्हाट्सअप यहाँ पे ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे कीबोर्ड की तो ज़रूरत नहीं है, बट कीबोर्ड अगर आपके पास है तो काफ़ी अच्छा रहेगा, बार बार आपको टाइप करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बाकी सारी सेटिंग तो सेम रहती है जैसे कि हमारी फ़ोन के लिए रहती है। सेम मैसेज मैं ट्राई करके एक बार आपको बता देता हूँ मैसेज कैसे जाता है। उम्मीद है वीडियो काफ़ी आपको अच्छा लगेगा, तो बस यही मैं आपको बताना चाह रहा था। देखा दोस्तों आपने, मैंने आपको बताया किस तरह से आपको व्हाट्सएप एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है। एपिडोट टीवी जो से मैंने थ्रू आपको डाउनलोड करने को बताया है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं। उसे कैसे यूज़ करना है, उसको कैसे इंस्टॉल करना है, उस सभी का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। पहले आप वो वीडियो देखें, वहां पे आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक में आपको डाउनलोडिंग लिंक मिलेगी, तो वहां से आप उसको डाउनलोड कर ले। फिर व्हाट्सएप या फेसबुक या जितनी भी एप्लीकेशंस होती है सभी एप्लीकेशंस को यूज़ कर सकते हैं। और अगर आपके कोई भी डाउट रहते हैं प्लीज़ आप हमें कमेंट करके सजेस्ट कर सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा हर एक वीडियो में आपका आंसर करने की, साथ ही साथ नेक्स्ट वीडियो में आपका जो भी प्रॉब्लम है उसको कवर करने की। तो आई थिंक मैं जो आपको इस वीडियो में बताना चाह रहा था वो काफ़ी अच्छी तरीके से आप समझ पाए होंगे। वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेशनल मैंने बनाने की कोशिश किया है, उम्मीद है वीडियो अच्छा लगेगा। वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।